बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिफ्थ लेक्चर अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस। पहले लेक्चर्स में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझा, फिर ट्रेड यूनियंस के ऊपर हल्की सी बात हमने डिफाइन की। इसके अलावा हमने डिफरेंट उसकी हिस्ट्री को भी देखा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस लाइक स्ट्राइक्स क्या हो सकती हैं उसको देखा। अभी हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हवाले से ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं। सो इसमें थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं जी कि व्हाट आर ट्रेड यूनियंस। डेफिनेटली आप भी कोई ना कोई अपना एक व्यू रखते होंगे कि ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं। सो हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं ट्रेड यूनियंस के हवाले से। और व्हाट इज़ ट्रेड यूनियन, इसी के ऊपर थोड़ा सा। According to this text, a trade union, जिसको हम labor union के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है, is an organization of workers or employees who are united to protect and promote their common interest. इनका बुनियादी मकसद trade unions का आपको क्या नज़र आता है कि ये किसी common interest के ऊपर काम करती हुई नज़र आती हैं। और common interest इनका क्या है, जो इसके पास registered होते हैं, these are called as employees या आप लेबर भी कह सकते हैं। सो इस लेबर के जो भी राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ट्रेड यूनियन। सो हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान है उसके हवाले से भी देयर आर डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो प्रिंसिपल पर्पस को हम देखने की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ दिस ट्रेड यूनियन, व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एनी ट्रेड यूनियन। सो ये प्रिंसिपल पर्पस हमें क्या नजर आते हैं, देर आर डिफरेंट। हेल्प सेटल देयर ग्रीवेंसेस। व्हाट आर दीज ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई एम वर्किंग एज एन एम्प्लॉई और अगर मेरे पास कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या है नेगेटिव, मीन्स मेरे राइट्स को मुझे सर्व नहीं किया जा रहा या मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे वेज पूरी नहीं दी जा रही और एनीथिंग, या हरासमेंट है, एनीथिंग जिसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, शिकायत की सेंस में लेकर चलते हैं, उसको हमने क्या कह दिया, ग्रीवेंस कह दिया। और ट्रेड यूनियंस का काम क्या है, हेल्प करती हैं टू सेटल द ग्रीवेंसेस। पहला काम तो एक प्रिंसिपल पर्पज ये हो गया। दूसरी बात इसमें आ जाती है निगोशिएट वेज। जो हमारे पास बेसिक लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मस्ट है कि वो उन लॉज के मुताबिक वेज रेट सेटल करती हैं और मार्केट के मुताबिक सेटल करती हैं। प्रिंसिपल पर्पस ऑफ एनी ट्रेड यूनियन कैन इंक्लूड कि वो वेज को निगोशिएट करे विद द मैनेजमेंट कि उसको एट पार कंपटीशन के मुताबिक रखा जाए, यानी एम्प्लॉई को जो काम है उसके बदले में जो उजरत मिलनी चाहिए वो मिल रही हो। और इसके अलावा दूसरा फैक्टर इसमें आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग कंडीशंस। हमारे पास फैक्ट्री एक्ट 1934, फैक्ट्री एक्ट 1934, इसको भी हम थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे, डिटेल भी देखेंगे डिफरेंट लेक्चर्स में। फैक्ट्री एक्ट 1934 बेसिकली बताता है कि फैक्ट्री में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशंस में हम किस किस चीज़ को शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, ह्यूमिडिटी क्या का लेवल क्या होना चाहिए, बेसिक स्पेस जो किसी एम्प्लॉय को काम करने के लिए चाहिए वो कितनी है, वहाँ पे मशीनरी से प्रोटेक्टिव गियर्स अवेलेबल हैं नहीं, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस। सो ट्रेड यूनियंस ये भी प्रेफर करती हैं कि उनके जितने भी यूनियन मेंबर्स हैं उनको अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस में काम करने का राइट हासिल है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस उनको उस राइट को प्रोवाइड भी कर रही हैं या नहीं कर रही। देन आ जाता है जी रेज न्यू डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। इन्वायरमेंट को अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट एक चेंज होते हुए स्टेटस है, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो चेंज होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हवाले से एक चीज़ जिसको हम लेते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशनरी रेट हमारी इनकम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट कि जी आपके इन्फ्लेशन की वजह से पैसे जो आपको मिल रहे हैं, चले 100 रुपया मुझे अगर वेज मिलती है तो इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपया कम हो गया, नहीं मुझे 100 ही मिल रहा है, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर जो है वो अब इन्फ्लेशन की वजह से
पहले 100 रुपये की थी, अब मुझे वही चीज़ें खरीदने के लिए जो मैं 100 रुपये खर्च करता था, अब मुझे 110 रुपये, 112 रुपये मिलते हैं, लगने चाहिए, लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा वेज रेट उसके मुताबिक होना चाहिए। दैट इज़ वन डिमांड ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स। फिर इसके अलावा वर्किंग कंडीशंस के हवाले से हो सकती हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से हो सकती हैं। सो ट्रेड यूनियंस का एक और प्रिंसिपल पर्पज़ क्या आ गया कि वो एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे डिमांड्स को रेज करती हैं टूवर्ड्स इट्स मेंबर। देन जी बात आ जाती है टेक कलेक्टिव एक्शंस टू इन्फोर्स द टर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में पहले भी देखा था, कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मैनी पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग। सो ये यूनियंस एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक पार्ट हो सकती हैं। सो इनका काम है कि इसको इन्फोर्स करना कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ जाए और जो बेनिफिट्स गेन किए जा सकते हैं वो गेन किए जा सकें। सो ये तो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है इस चीज़ की आपको जो नज़र आती है। देन हमारे पास आ जाता है जी रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स, पहली पार्टी, मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड द एम्प्लॉयर। ये कौन होगी जी? एम्प्लॉयर किसको हमने कह दिया जी? ऑर्गेनाइजेशन को या उसकी मैनेजमेंट को। जो वर्कर्स हैं ये तमाम के तमाम लोग हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और मेंबर्स वो हैं जो कि यूनियन के साथ हैं। सो इन यूनियनाइज्ड मेंबर्स, नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में इन रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करना भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ट्रेड यूनियंस की। हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्ट्री टेंड्स टू बी प्रीटी लॉन्ग, और यहाँ पर चले स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। इन द ईयर 1600 यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है कि डिस्प्यूट अनफेयर ट्रीटमेंट्स के हवाले से कुछ काम नज़र आता है। उस ज़माने में स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, क्राफ्ट्स पीपल थे, और ये सारे लोग वक्त गुजरने के साथ देवर इन्वॉल्व इन एन इनफॉर्मल गैदरिंग इन 1700। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया जी? लेबरर्स हो गए और क्राफ्ट्स पीपल आ गए एंड इन द 18th century स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, यहाँ से आपको एक फॉर्मेशन नज़र आ रही है ट्रेड यूनियंस की इन 1850। और यहाँ पर जो बेसिक पर्पस जिसको आज हमने अभी थोड़ा सा पिछली स्लाइड में डिस्कस भी किया, वेलफेयर के हवाले से, राइट्स प्रोटेक्शन के हवाले से, ये ट्रेडिशन आपको इस इरा में स्टार्ट होता हुआ नज़र आया एंड देन बिकेम एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इज़ इन द 1900। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस ट्रेडिशन जो है वो आपको बनता हुआ नज़र आया इन 1930 राइजिंग पावर ऑफ यूनियंस के। यहाँ पर यूनियनाइजेशन का एक जो ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया वो हमें लेकर गया टुवर्ड्स द रेज्ड पावर ऑफ यूनियंस एंड इट ड्रोव अस इन 1960 दैट इज राइजिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर्स। सो अब देखें दोनों पार्टीज आपको नजर आई हैं, राइजिंग पावर ऑफ द यूनियंस एंड राइजिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स। सो दिस टेक्स अस टू द कंट्रोल ऑफ द लेबर ट्रेडिशन। और इन 2000 ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, इसने हमारी सिचुएशन को क्या किया वो चेंज कर दिया। सो 1930s 60s में जो कंट्रोल था, ट्रेडिशन था इंडस्ट्रियल रिलेशंस के हवाले से, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया, और राइजिंग पावर ऑफ द यूनियंस भी नज़र आई, राइजिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स भी आपको नज़र आया। सो यहाँ पे भी निगोसिएशंस और उस हवाले से आपको एक ट्रेंड एनहांस होता हुआ नज़र आता है। एंड देन वी रीच टूवर्ड्स दिस मॉडर्न एरा, और देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क दैट वट विल हैपन इन 2020, दैट इज फ्यूचर ऑफ दीज ट्रेड यूनियंस। इसी जो आपके पास हिस्ट्री नज़र आती है, इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, टाइमलाइन के ऊपर देखते हैं कि ये क्या आपको नज़र आ रहा है जी। 1868 में, अब आपकी हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड एक ट्रेड यूनियंस के ट्रेंड की, ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज डेवलप्ड, TUC, दैट वाज डेवलप्ड इन यूनाइटेड किंगडम। इसी एरा में आगे चले 1903 में ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्री दैट वाज फॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इन 1912 आपको यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स नज़र आता है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 1927
ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस वॉज फॉर्म्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 1955. अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन AFL-CIO वॉज फॉर्म्ड इन USA. इन 1965 CBI, कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री वॉज फॉर्म्ड इन UK. इन 1983 सरामिक करमचरी ओलिका पैरिस्ट, ये बांग्लादेश के हवाले से है, बेसिकली टेक्स्ट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो BDO ओरिजिनेटेड भी है, और 1998 के हवाले से सॉरी हम बांग्लादेश एम्प्लॉयर फेडरेशन की बात करते हैं. नाउ लेट्स टेक इट टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के हवाले से आपको इसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं. तो ये हम थोड़ा सा डाटा देखते हैं ट्रेड यूनियंस इन पाकिस्तान. यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ट्रेड यूनियंस इन पाकिस्तान आर रेगुलेटेड अंडर प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज रिलेशंस एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सो लेबर इज कंसिडर्ड अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल government. The latest Industrial Relations Act was promulgated on 12th March 2012 by President of Pakistan. So, आपको जो Industrial Relations Act नज़र आता है पाकिस्तान का, वो 12 मार्च सन 2012 में फॉर्म हुआ हुआ नज़र आता है. और National Industrial Relations Commission NIRC was established under Labour Policy in 1972 as a quasi-judicial authority to promote genuine trade unionism. Setting up industry-wise federation of unions at the national level. So industry के हवाले से separate unions की formation को promote किया गया जो आपको national level पे भी नजर आता है. So according to the National Industrial Relations Commission, in 2016 there were 1390 trade unions with registered 1.4 million members. So there are 16 registered फेडरेशन्स एंड द रेशियो ऑफ टोटल यूनियन मेंबर्स टू टोटल एम्प्लॉयमेंट इज 2.2. ये आप थोड़ा सा अगर इसको और भी देखने की कोशिश करते हैं तो ये डाटा आपको एक ट्रेड यूनियंस इन पाकिस्तान के साइड पे भी नज़र आ रहा है. नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन, ठीक है, देन पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कंपेन, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन आपको नजर आती है. रेगुलेटरी अथॉरिटी जो सी है वो NIRC, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन. सो प्राइमरीली जो आपको हिस्ट्री पाकिस्तान के हवाले से नजर आती है वो अर्ली हिस्ट्री जो है वो ब्रिटिश इंडिया से आपको नजर आती है. इसकी इंसेप्शन के बाद पाकिस्तान हैज इनहेरिटेड स्ट्रॉन्ग रेलवे एंड पोर्ट यूनियंस. सो रेलवे के शोबे में आपको और पोर्ट के हवाले से आपको यूनियनाइजेशन नज़र आने लग पड़ी. एंड देन पॉपुलर लेबर यूनियंस एट द टाइम वर इन लाहौर रेलवे वर्कशॉप लेड बाय मिर्जा इब्राहिम, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन लेड बाय बशीर बख्तियार. एंड देन कोमल फ्लोर मिल आपको डिफरेंट ये उसकी यूनियंस की नज़र आती हैं. अब अगर हम इसी को देखें तो राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस जिनसे हैं, स्ट्रगल वॉज सीन ड्यूरिंग 1968 मूवमेंट इन पाकिस्तान, जब लीडर्स ऑफ अ मेजर यूनियन एंड फेडरेशन जॉइन हैंड्स अगेंस्ट सदर अयूब खान इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. सो दे ऑर्गेनाइज मार्च एट वर्कर्स एंड डिमांड्स वीक. सो उसने उसको प्रमोट भी किया 1968 में, और एक पूरा वीक जिनसा है वर्कर डिमांड वीक के हवाले से सेलिब्रेट किया गया. आफ्टर मैथ्स बताता है 1988 के इलेक्शंस में बेनजीर भुट्टो केम इन टू पावर, और ड्यूरिंग पावर शी अंडर प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड IMF शी अडॉप्टेड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज. सो ये प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली जो एम्प्लॉयज के लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं, विच वर कंटिन्यूड बाय नवाज शरीफ ओनिंग टू द लिबरेशन प्रोसेस. कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच रिड्यूस्ड बार्गेनिंग पावर ऑफ द unions. So during Pervez Musharraf period, struggle of the PTCL workers against privatization attached many activists to form alliances. ये आपको थोड़ा सा सन 2000 के बाद के अवामिल में नज़र आता है, जब PTCL को इत्तसालात के थ्रू सेल आउट किया गया था, तो वहाँ पर आपको इसकी प्रमोशंस भी नज़र आती है. सो लेबर लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 डू नॉट इनेबल वर्कर्स टू फॉर्म unions. There is also very little room for those who are already organized in trade unions to bargain for the collective rights of the workers. So this is the status of Pakistan. So trade unions in Pakistan mein major federations jo nazar aati hai wo hai Pakistan worker
कन्फेडरेशन, देन पाकिस्तान लेबर ऑर्गेनाइजेशन मेजर फेडरेशन आपको ये नज़र आ रही है जी, पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एंड जनरल वर्कर फेडरेशन, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन एंड सो ऑन, आपको ये डिफरेंट नज़र आती हैं। सो मेजर यूनियंस में जो आपको है रेलवे वर्कर्स यूनियन और रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप्स के हवाले से वो सेपरेट नज़र आती हैं। यहाँ पे अगर हम बाय इंडस्ट्री देखें तो एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 42%। सो ये परसेंटेज ऑफ वर्कर बाय इंडस्ट्री एज अ होल, हमारे पास अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से 2.2 एम्प्लॉयज़ उनसे हैं वो यूनियनाइज एम्प्लॉयज़ हैं। और फिर ये डाटा आपको बता रहा है कि एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्ट्री में कितने परसेंट एम्प्लॉयज़ उनसे हैं वो यूनियन लेबर्स का पार्ट नज़र आते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द लेबर यूनियंस। इसमें हमने उनके प्रिंसिपल पर्पसेस को देखा, देन हमने उसकी हिस्ट्री को देखा, टाइमलाइन में डिफरेंट फॉर्मेशंस को देखा, एंड देन वी हैव सीन द ट्रेड यूनियंस इन पाकिस्तान इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो इसी को, ट्रेड यूनियंस के टॉपिक को लेके इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी हम चलेंगे। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली यू विल बी आंसर्ड। So thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.